लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें x की मैक्सिमम पावर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और अगर उसमें x के मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। हम पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 3x + 4x * 7 - 3 * 2x + 6 equal to 7 into x minus 2 minus 3x। ये हमारे पास इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। 3x आ जाएगा, 4 into 7 28x आ जाएगा, minus 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x बन जाएगा, minus 18 आ जाएगा, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x आ जाएगा, minus 14 आ जाएगा, minus 3x। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x की टर्म्स को सिंप्लीफाई कर देंगे, ये एक x की टर्म है, ये दूसरी x की टर्म है, ये तीसरी x की टर्म है, इन तीनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 plus 28 31 हो गया, 31 में 6 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये 25x बच जाएगा, माइनस 18 बच जाएगा। राइट हैंड साइड पे 7x में से 3x माइनस कर देंगे, 4x बच जाएगा, माइनस 14। एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेंगे, 25x माइनस 4x हो जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस 14, और 18 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे स्टूडेंट्स तो ये प्लस 18 बन जाएगा। 25 में से 4x माइनस कर दें 21x होता है, और माइनस 14 प्लस 18 करें तो ये 4 आ जाता है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को डिवाइड कर देंगे 21 के साथ, ये हमारे पास आंसर आ गया 4 ओवर 21।